भारतीय सेना युवा मोर्चा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। लोनी में भारतीय सेना युवा मोर्चा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने सर्व समाज सहमति से होने वाले 7 अगस्त को सैन समाज महासम्मेलन के बाद लोनी नगर पालिका परिषद चुनाव के लिए सैन समाज का प्रत्याशी उतारे जाने की बात कही गई। इस दौरान प्रेस वार्ता में मौजूद समाज के नेताओं ने बताया कि 7 तारीख को होने वाला महासम्मेलन समाज का अपना शक्ति प्रदर्शन है, जिसके तहत वह इस बार भारतीय जनता पार्टी से राजनीति में अपनी हिस्सेदारी की मांग करते हुए लोनी से भाजपा का टिकट सैन समाज के प्रत्याशी को देने की मांग करेंगे। वहीं अगर भाजपा द्वारा सैन समाज को दरकिनार किया गया तो समाज कहीं ना कहीं निर्दलीय या अन्य किसी दल से अपना प्रत्याशी लड़ाने पर विचार करेगा। प्रत्याशी की घोषणा 7 अगस्त महासम्मेलन के बाद की जाएगी, जिसमें सैन समाज के दिव्या सैन, नवीन सैन, सुनील सैन, बबलू सैन, दर्जनों सैन समाज के लोग मौजूद थे। लोनी गाजियाबाद से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। चंद्र पवार सैन, हम लोनी के अंदर सैन समाज का एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं, समाज को जोड़ने जा रहे हैं और राजनीति के अंदर सैन समाज की हिस्सेदारी चाहते हैं। लगभग सैन समाज का लोनी के अंदर 30 से 40 हज़ार वोट बैंक है और हमसे कम वोट बैंक वालों की अब तक देखें तो चेयरमैन ही 2 बार वो ले चुके हैं। तो इस बार हम ये चाहते हैं कि सैन समाज भी एक होके, जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनसे चेयरमैन की टिकट की दावेदारी उनसे मांग की जाए। आपका जो 7 तारीख का महासम्मेलन है, इस महासम्मेलन में कहाँ कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है? मेन तो हमारे लोनी के सैन समाज के लोग जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब समाज इतनी तादाद में लोनी में है तो हम अपनी एकजुटता, अपना एक शक्ति प्रदर्शन, अपनी एक मेजॉरिटी हर राजनीतिक दल को दिखाना चाहते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि सैन समाज की 30 से 40 हज़ार वोट लोनी के अंदर हैं। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी को दिखाना चाहते हैं कि हाँ, आपके जो समाज है उसमें वो है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाना चाहते हैं और भी जो राजनीतिक दल हैं, हम सबको दिखाना चाहते हैं कि हमें राजनीति में हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन भाजपा ही आपकी पसंद क्यों है टिकट के लिए? सर देखिए, सत्ता में जो पार्टी होती है फर्स्ट चॉइस वही होती है और आज हमारे देश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, सेकंड टाइम वो पीएम बने हैं और सेकंड टाइम ही सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी बने हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा का बहुत अच्छा हिसाब चल रहा है और लोगों की फर्स्ट चॉइस भी है, तो फिर हम अगर मांग करें तो सबसे पहले भाजपा से क्यों ना करें। अगर आपको मौका मिलता है पार्टी की तरफ से तो क्या कुछ आप लोगों के लिए करेंगे? सबसे पहले तो विकास होगा जो मेन मुद्दा है। अभी देखिए, आप लोग आए हैं, बारिश का माहौल है, सबको पता है कि लोनी में कितना विकास हुआ है और जब सेंटर में भी बीजेपी सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी सरकार है, तो हम जो एक पैकेज विशेष होना चाहिए लोनी के लिए उसकी मांग करेंगे। आप